कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोलन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री हिमाचल को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस की राय तक नहीं ली गई और उसे लोकसभा से पास करवा लिया गया। जीएसटी के लिए केवल मोदी सरकार जिम्मेदार है, जिससे वे बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की जनता महंगाई से त्रस्त है, यहाँ तक कि जरूरत की सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, यहाँ तक कि किसानों पर भी टैक्स की मार पड़ रही है। उन्होंने जो वायदे किए थे वे भूल चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल का खत्म हो चुका है, किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं लगाए गए, ऊपर से कोल्ड स्टोर पर टैक्स लगाकर किसानों के साथ अत्याचार किया गया, जिसका हिमाचल की जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोलन में भाजपा पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना बिकना बंद कर चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में आकर कहते हैं कि हिमाचल पेशी पर खड़ा है, मुख्यमंत्री जमानत पर है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर भी तो जमानत पर हैं, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। उन्होंने एक बार फिर भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर भाजपा जीत भी जाती है तो धूमल 73 वर्ष के हो चुके हैं, तो क्या 75 के पूरा होने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, हिमाचल की जनता जानना चाहती है। देखिए, मोदी जी पहले तो कहते थे वीरभद्र सिंह जी पर इल्जाम लगाकर के उन पर मुकदमा दर्ज है, तो आदरणीय धूमल साहब जिनका एक बुजुर्ग के तौर पर हम सम्मान करते हैं उन पर उनके बेटों पर भी मुकदमा दर्ज है और वो भी जमानत पर छूटकर आए हैं, तो अब उनका क्या राय है, क्या वो उनकी उम्मीदवारी को वापस लेंगे। और ये भी एक बात साफ है कि अब मोदी बिकने बंद हो गए हैं, क्योंकि 41 महीने के उनके जुमलों से और झूठ से देश थक चुका, इसीलिए पहली बार उन्होंने खुद को हटाकर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। पर यह बताना भूल गए कि उनकी उम्र तो 73.5 वर्ष है और मोदी जी ने जैसे गुजरात की मुख्यमंत्री को हटा दिया 75 वर्ष की होते ही, तो इनको भी कहीं चेहरा दिखाकर लोगों को झांसा देने का एक और नया जुमला तो नहीं। एक ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जिनकी मोदी जी ने हाल में ही विधानसभा की टिकट काट दी, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी,